नमस्कार, एसटीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके रोशन। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबर। बिहार में कोरोना का संक्रमण अब अनकंट्रोल होता जा रहा है, इसके साथ ही पटना कोरोना का गढ़ बन गया है। पटना में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2000 को पार कर गया है। शनिवार को पटना शहर समेत प्रखंडों में 275 संक्रमितों की संख्या हुई, वहीं कुल संक्रमितों की संख्या अब 2163 हो गई है। महानायक अमिताभ बच्चन को मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुद अमिताभ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। जांच में वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। खुद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल अथॉरिटीज को सूचित कर रहा है, परिवार और बाकी स्टाफ टेस्ट करवा रहे हैं, जांच के नतीजों का इंतजार है। पिछले 10 दिनों में जो भी मेरे काफी करीब रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि अपना टेस्ट करवा लें। सिपारा से पहाड़ी मोड़ 0 माइल होते दीदारगंज तक 14 किलोमीटर लंबे पटना बाईपास को अंतर्राष्ट्रीय मॉडल रोड के तौर पर विकसित करने के लिए केंद्र ने 80 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। अक्टूबर से इस रोड के निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। उत्तर बिहार और नेपाल के तराई में लगातार हो रही बारिश से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रदेश के 10 नदियां खतरे के निशान को पार कर गई है। बारिश के बाद आए उफान से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में ही गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। बताया गया है कि गंगा के जलस्तर में 70 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। बिहार के आईटीआई के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। नीतीश सरकार ने यह फैसला किया है कि इस साल 2020-21 से पोशाक और जूते की राशि का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा। बिहार सरकार ने इसके लिए फैसला किया है कि छात्र छात्राओं के खाते में 3000 रुपए डाल दिए जाएंगे। भिताहा प्रखंड के सेरा टोला और जिगनही गांव के 2 दर्जन घरों, एसएसबी कैंप, चकदहवा, झंडू टोला, भीम टोली, कांटी टोला सहित कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है और गांव जलमग्न हो गए हैं। एसएसबी कैंप में भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब मात्र 15 मिनट से आधे घंटे में कोरोना संक्रमितों की पहचान हो जाएगी। पटना समेत राज्य के सभी जिलों में अगले 1 सप्ताह में रैपिड एंटीजन की जांच शुरू हो जाएगी। इसके लिए ICMR ने राज्य के मुख्य सचिव को 1 जुलाई को ही पत्र लिखा था। उस पत्र में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने सभी DM और सिविल सर्जन को रैपिड एंटीजन किट से जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। कहा है 1 हफ्ते के भीतर BMSICL के माध्यम से सभी जिलों को ये किट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। एक संक्रमित के कारण पटना के बीटा में भी कोरोना की चेन अब लंबी हो चली है। इसको लेकर 39 लोगों ने अपना टेस्ट कराया था, जिसमें 17 लोगों के पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद बीटा और उसके आसपास के इलाकों में खलबली मच गई है। भागलपुर जिला अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि जिला अधिकारी ने कोरोना के लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद उनका सैंपल लिया गया, जहां आज मिले 75 केस में उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अगले महीने से JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को मैदान में उतारने की तैयारियां शुरू कर दी है।